पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टल से किसी भी नंबर के बेस को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी बेस को किस तरीके से एक बेस से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और उनको फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में। तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसके लिए मैंने लिया है क्वेश्चन 1AF, इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि हम लोगों को पता है कि क्या करना पड़ता है, जो भी बेस रहता है उसकी 16n-1 मतलब 16^3 = 16^2, इस हिसाब से 16^2 × 1 + 16^1 × a + 16^0 × f। इसके बाद जो भी हम लोग a और f को किस तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि डिजिट और अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस हेक्साडेसिमल नंबर को पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि 10 a का इक्विवेलेंट डेसिमल होता है 10, b का होता है 11, c का 12, d का 13, e का 14 और f का 15। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, अगर इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 256 प्लस 160 प्लस 15। ये है एक हेक्साडेसिमल नंबर का डेसिमल कन्वर्जन। देन हम लोग देखेंगे अगर हेक्साडेसिमल नंबर फ्रैक्शन में हो तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग एक नंबर ले लें, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग एक नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर ये एक हेक्साडेसिमल नंबर मैंने लिया है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो जो पॉइंट से पहले वाले नंबर है उसके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, 16^(n-1) मतलब 16^(1-1) = 16^0। इस हिसाब से अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16^0 × a और डॉट के बाद वाली जो वैल्यू है उसे 16^-1, क्योंकि ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है तो ये इस साइड वाला पोर्शन माइनस में चला जाएगा, × 1 + 16^-2 × 2। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 16^0 और a का इक्विवेलेंट होता है 10, उसी तरीके से 16^-1 × 1 + 16^-2 × 2। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो किसी भी नंबर का अगर पावर ज़ीरो हो तो वह वैल्यू हो जाती है 1। तो 10 × 1 = 10 प्लस 16^-1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 10 आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0625 और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0781 और इन सब को ऐड करने पर जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा 10.0703125। हमें इतना लंबा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसे लिखेंगे 10.070 base 10। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी।
यहाँ पे मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया है, वो है ए बी सी, और उसे मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, जो हेक्साडेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट डेसिमल हैं उन्हें फाइंड करूँगी। तो ए के लिए हेक्साडेसिमल में कौन सा बाइनरी, ए का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होता है 10, बी का 11 और सी का 12। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा, और इसके बाद इसका बेस हो गया 16 और हमें इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। देन अब हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 4, 8 इस फॉर्मूले से, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है और हेक्साडेसिमल नंबर का टोटल होता है 15, और इस नंबर को अगर हम सब में 1 करते हैं तो इसका टोटल भी होता है 15। इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर को हमेशा 4 बिट डेटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 10 का इक्विवेलेंट निकालें तो 10 के लिए 1, 0, 1, 0 इस तरीके से हमें मिल गया 10। इसी के बाद 11 का अगर निकालें तो ये हो जाएगा 1, 0, 1, 1। तो 1, 0, 1, 1 10 के लिए, और 8 और 2, 10 ये, और 11 के लिए 8 और 2, 10 plus 1, 11। इसी तरीके से 12 के लिए निकालें तो 1, 8 और 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12, और ये दोनों बिट 0, 0। इस तरीके से हम लोगों ने ये तीनों बिट निकाल लिए हैं। अब तीनों बिट को हम लोग लिखेंगे 1, 0, 1, 0, जिस सीरीज़ में ये हमारे पास आए हैं उसी सीरीज़ में हम लोग इसे लिखेंगे। तो ए बी सी का अगर हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो होगा 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0। इस तरीके से हम लोग किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर किसी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है 2AB, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है 8 base 8 में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों का फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट बाइनरी डेसिमल फाइंड करेंगे तो 2, और ए का इक्विवेलेंट होता है, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ए का इक्विवेलेंट होता है 10 और बी का हो गया 11। इसके बाद अगर हम लोग इसका बाइनरी फाइंड करना है, अगर हमें इसका बाइनरी फाइंड करना है तो हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी। अगर 2 का बाइनरी हम लोग सबसे पहले देखें तो वो होगा 0, 0, 1, क्योंकि हमें सिर्फ 2 चाहिए और 0। उसी तरीके से अगर हम लोग 10 का बाइनरी देखें तो 10 के लिए हमें 8 की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम उसमें 4 ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें 2 ऐड करेंगे तो 10 हो गया, और इसके बाद हमें किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 11 के लिए देखें तो 8 लेंगे, देन 4 की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर हम 4 ऐड करते हैं तो वो 12 हो जाएगा, और 2 एंड 1, तो ये हो गया 11। इसके बाद हम लोग इसे एज इट इज़ लिख लेंगे, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, ये है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी। देन अब इस बाइनरी नंबर के हम लोगों को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पेयरिंग करनी है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो मैक्सिमम बिट होता है वो होता है 15। चार बिट का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं और 15 का इक्विवेलेंट बाइनरी होता है 1। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्टल नंबर में देखें तो जो उसका हाईएस्ट डिजिट होता है वो होता है 7, और 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी होता है 111, क्योंकि इसमें 4 बिट का यूज़ हो रहा है और इसमें 3 बिट का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3-3 बिट की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिजिट जो होता है वो 7 होता है, 7 से बड़ा नंबर हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं आता है, और इसलिए हम लोग इसमें 3-3 बिट की पेयरिंग करेंगे। ये 3 बिट लास्ट से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से हम लोग 3-3 बिट की पेयरिंग करेंगे। ये हमारे पास 4 पेयर आ गए हैं। अब 1 से लेकर के 7 तक के हम लोग जितने भी बाइनरी हैं वो लिख लेते हैं। 1 के लिए होगा, इस तरीके से 6-7 तक का हमारे पास बाइनरी आ गया है। अब इन बाइनरी नंबर को हम लोग मैच करना स्टार्ट करेंगे पीछे से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इक्विवेलेंट है 3 के,
और उसके बाद 101, 101 इक्विवेलेंट है 5 के, देन 1010, 010 इक्विवेलेंट है 2 के, और 001, 001 इक्विवेलेंट है 1 के। इस तरीके से जो नंबर हमें मिला है वो है 1, 2, 5, 3, ये एक ऑक्टल नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये कितना सिंपल था और हम लोग किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन इसके बाद नंबर सिस्टम में एक चीज़ और लास्ट में आती है, ये आपको आपके सिलेबस में नहीं है पर ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एडिशनल क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है 6, लेकिन हम लोगों ने अभी तक किसी भी 6 बेस के बारे में नहीं पढ़ा है। तो अगर किसी बेस से किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 54, 2, अगर हम लोग इसको बाइनरी निकालना है तो हम लोग जैसे बाइनरी फाइंड करते हैं सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। 54, तो 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 1, 2 7 ज़ 14, 0, 2 1 ज़ 2, 2 3 ज़ 6, 1, 2 6 ज़ 12, 1, 2 3 ज़ 6, 0, 2 1 ज़ 2। और अब हम लोग इसे देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। इस तरीके से हम लोग किसी भी बेस से किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई बाइनरी नंबर हमारे पास है और इस तरीके का बेस हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो बेस वाला नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा और 1 2 3 4 5 6, n की पावर 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, देन 5 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 5 की पावर 4 इंटू 0 प्लस 5 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 5 की पावर 0 इंटू 1। देन अगर हम लोग इसे और सॉल्व करें तो ये हो गया 5 5 ज़ 20। देन अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 5 ज़ 20, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आया है वो आया है ये, यहाँ पर 0, जिस भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 0 हो गया है, बाकी नंबर को मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। देन अब हम लोग इन नंबर को ऐड करेंगे, तो 3 1 2 5 1 2 5 5 और 1, तो 5 3 15 and 16 1 4 5 1 3 and 3, तो हमारे पास जो नंबर आया है वो है 3 3 5 6, इसका बेस होगा 5। इस तरीके से हम लोग किसी भी बेस को किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, और किसी भी नंबर को बाइनरी से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है कि हम लोगों ने इतने सारे जो मेथड्स पढ़े ये सिर्फ नंबर्स के लिए अप्लाई हुए, किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर हम लोग कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं
जो हम लोग इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, हम लोग जैसे मैंने हम लोगों ने पहले की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि सभी नंबर्स, सभी डिजिट्स और सभी स्पेशल सिंबल्स के लिए एक स्पेशल बाइनरी नंबर होता है जो यूनिक होता है दूसरों से। ये चीज़ आप लोगों को अभी तक समझ में आ गई होगी, किसी भी नंबर का बाइनरी कभी रिपीट नहीं होता है। जैसे ए के लिए हम लोग वहाँ पे हेक्साडेसिमल में देखें तो ए के लिए जो बाइनरी था वो था, ए के लिए बाइनरी ये था। इसी तरीके से अगर हम लोग बी के लिए देखें तो वो कुछ इस तरीके से था। और इसी तरीके से सभी डिजिट्स के लिए और अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग बाइनरी डिजिट्स होते हैं। तो हम लोग इसमें देखा कि हम लोगों ने नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया बाइनरी फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। इसके बाद